आपका क्या नाम है? विनोद चमार जी। विनोद कुमार। कुमार आपका क्या नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार नाम है। एम के अद्वान कंपनी। अच्छा, आपकी क्या कंपनी? अजरवाल ट्रेडर्स तिराबोर। अजरवाल ट्रेडर्स तिराबोर। ये दोनों भाई हैं, तिगांव रोड पर इनकी हार्डवेयर एंड सैनिटरी की दुकान है। दोनों अपना बिजनेस करते हैं। अब इन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इनका कहना है मार्केट के ही कुछ लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, और एक भाई को धमकी दी गई, मारपीट की गई, गालियां दी गई। दोनों ने अलग अलग शिकायत दी है बल्लभगढ़ सिटी थाने में। हम इनसे पूछेंगे क्या मामला है। आपका क्या नाम है? अग्रवाल ट्रेडर्स से। अग्रवाल ट्रेडर्स के नाम से दुकान। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार नाम है। विनोद कुमार नाम है। आप कहाँ पर आपकी दुकान है? तिगांव रोड। तिगांव रोड पर दुकान है। कब से दुकान है? 25 साल से दुकान है। 25 साल से दुकान है। आपके साथ क्या हुआ था? ऐसा सिंगला ट्रेडर्स और मार्केट से तो स्लो आए हमारे पास, उन्होंने कहा लास्ट संडे की दुकान बंद करनी है। हाँ, हमने कहा सर हम अब बंद नहीं कर सकते, बहुत टाइम हो गया, मंदा है इस समय, हमें दुकान खोलनी पड़ेगी। मतलब लास्ट संडे को दुकान बंद करवाना चाहते हैं वो लोग। क्या कोई लीगल ऐसा कुछ है कि बंद करना जरूरी है? नहीं है सर। अच्छा, कोई लीगल नहीं है, आपसी सहमति से बोला था ये। अच्छा, अब हमने कहा हमें अब बंद नहीं चलनी है, मंदा चल रहा है सर इस समय। अच्छा, और हमें अब दुकान खोलनी है। अच्छा, इतने में सिंगला ट्रेडर्स जो है वो जाली जलोन और संजय कुमार जो मेरा भाई है बड़े, उनका हाथ उठाया। अच्छा, हाथ उठाने के बाद जला पकड़ लिया। संजय कुमार को उन्हें कहा है? बड़े भाई है जी हमारे। अच्छा ठीक है, उनका जला पकड़ लिया। हाँ, उनके जले पे निशान अब भी है जी। अच्छा, और ये कहा कि तुझे मैं देख लूंगा, तुझे तो मैं मारूंगा अभी। अच्छा, अगर तुम दुकान सोलो जे तो तुम्हें हर महीने रंगदारी देनी पड़ेगी। रंगदारी देनी पड़ेगी, तो बहुत बड़ा आरोप है रंगदारी देने का। महीने रंगदारी देनी पड़ेगी आप दुकान सोलो रहे तो। अच्छा, और नहीं अपने दुकान। कोई आपके पास सबूत है इसका जो आरोप लगा रहे हैं? कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ सबूत है या कोई गवाह है? सर गवाह और रिकॉर्डिंग उन्होंने हमने अब किया लास्ट संडे दुकान छोड़ ली। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लेटर हेड से लिख के और ये अफवाह फैला दी 25 साल की हमारी दुकान है सर। अच्छा, उन्होंने ये अफवाह फैलाई है कि इन्हें कोई भी माल ना दिया जाए। अच्छा, इनके पास कोई कस्टमर ना आए। कहाँ पर है दिखाई? अच्छा, ये व्हाट्सएप पर ये दिया गया है, अग्रवाल ट्रेडर्स और एमके अग्रवाल एंड कंपनी, ये जो दो शॉप्स हैं इनके बारे में कहा गया। सभी दुकानदार भाइयों को सूचित किया जाता है, इन दोनों फर्मों का मार्केट कमेटी इससे बहिष्कार किया जा रहा है। कृपया सभी से यह अनुरोध, इन दोनों के साथ किसी प्रकार का लेन देन न किया जाए। कुछ लोगों के नाम है, सिग्नेचर भी है। कमेटी अथोराइज है या इनके पास कोई अथॉरिटी है ऐसा करने की? आपसी सहमति है, वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है और व्हाट्सएप पे इन्होंने ये मैसेज 5 बंदे थे वायरल कर दिए पहले। अच्छा, डाला है फैजाबाद दिल्ली, वहाँ के बंदे जोड़े इसने। नहीं, आपको इससे क्या परेशानी हुई? मेरी बदनामी हो जाती है, दो बंदो मादरी मुझसे। अच्छा, मान दू तो मैं, उसने मना किया हुआ है, मना कर दिया, दो बंदो मना दिया मुझसे, और आपकी बदनामी भी हो रही है। 10 फोन आए मेरे पास। अच्छा, व्हाट्सएप पे फैलाया इसने, मैंने आपके फैलाया, आपने वहाँ फैला दिया, आपने वहाँ से वहाँ फैला दिया, पूरे में फैला उस टाइम ये। 25 साल ऐसा क्यों किया इन्होंने? अच्छा, 100 बंद नहीं की हमने। अच्छा, 100 बंद नहीं की, इसलिए 100 बंद होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने कहाँ पर शिकायत दी है? अभी इसकी थाने में, मतलब यहाँ पे दोनों ने अलग अलग शिकायत दी है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने एक्शन लेंगे। इस मामले में जब दुकानदार राजीव सिंगला से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया हम कुछ दुकानदारों ने मिलकर इनका बहिष्कार करने का फैसला किया है, क्योंकि इन्होंने हमारा कहना नहीं माना। हम लोग अंतिम रविवार को दुकानें बंद करते हैं लेकिन ये अपनी दुकानें खोलते हैं और हमारा कहना नहीं मानते, इसलिए हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इनका बहिष्कार करने की अपील की। अब आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन चाहते हैं सर हमारा 25 साल से नाम बदनाम चला है सर, हमने 25 साल से जो नाम कमाया है। अच्छा, उसने हमारा सोशल मीडिया पर डाल के 2 मिनट में हमारा नाम बदनाम कर दिया सर। अच्छा, अब इसके खिलाफ क्या चाह, इन्होंने लिखा है मार्केट कमेटी से इन दोनों का बहिष्कार किया जाता है, क्या कोई मार्केट कमेटी है? नहीं, कोई मार्केट कमेटी नहीं।
तो ये मामला है, कोई मार्केट कमेटी नहीं है, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है मार्केट कमेटी से इनका बहिष्कार किया जाता है। तो इनका कहना है ये इलीगल है। तो ठीक है, देखते हैं क्या एक्शन लेती है फरीदाबाद पुलिस।